नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर के जो टॉप 10 स्टॉक्स है। दोस्तों, केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स आपको लंबे समय में काफी बेहतरीन रिटर्न देंगे और पीछे भी ये काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें से कई सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स निकले हैं। तो 10 शेयर हम आप इसको बताएंगे, 10 में से आप देखेंगे लगभग 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स है, 5 से भी अधिक मल्टीबैगर स्टॉक्स है जो कि मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं और आगे भी मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। क्योंकि दोस्तों, इस सेक्टर के जो स्टॉक है वो स्मॉल कैप से मिड कैप, मिड कैप से फिर लार्ज कैप बने हैं। तो ये सारे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और काफ़ी अच्छा कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है। और जिस तरह से हम बायकॉट चाइना, पूरा वर्ल्ड चाइना से बायकॉट कर रहा है, तो इस सेक्टर में और ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। तो इस लिस्ट में हमारे पहले नंबर पर है अतुल लिमिटेड। दोस्तों, अतुल लिमिटेड आप देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। आप देख लीजिए 99 से अभी तक में इस कंपनी का जो रिटर्न है 29,000% का है। तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, तो ये अभी आगे भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है क्योंकि इस कंपनी अभी भी काफी पोटेंशियल है। इस कंपनी के पास जो रिजर्व है काफी बेहतरीन है, तो अच्छे बोनस शेयर भी आपको देने वाले हैं और कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल कम है, जो कि हम अलग अलग वीडियो में बताते रहते हैं कि ये सारी कंपनियां जो आने वाले समय में आपको और बेहतरीन रिटर्न देगा। चार्ट देखिए तो कितना सॉलिड है, 5 ईयर्स का चार्ट। कभी भी ये जो चार्ट है इसका, ये टेक्निकल चार्ट कभी भी वीकनेस, मतलब कभी भी चार्ट में वीकनेस कमजोरी आपको दिखाई नहीं देगा, चार्ट काफी सॉलिड है। तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और जो पैंडेमिक आया था, पैंडेमिक में सारे के सारे स्टॉक काफी क्रैश हुआ, लेकिन इस स्टॉक में काफी कम गिरावट था। ये देखते हैं 5,000 से ये स्टॉक मात्र 3,600 तक आया था। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत है, उसमें आपको उतना गिरावट देखने नहीं मिलेगा जितना कि आपको जो वीकनेस वाले स्टॉक है, जो स्टॉक फंडामेंटली वीक है, उसमें देखने मिलता है। तो ये यहाँ से अगर यहाँ पर आपको तेजी देखने मिलता है तो फिर एक दिन में 5% 10% की तेजी यहाँ से देखने मिलेगा, क्योंकि इस लेवल पे ये बार बार कंसोलिडेट हो रहा है। अगर यह कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाता है तो फिर आपको ऊपर की ओर जबरदस्त मूवमेंटम मिलेगा। अगर यहाँ से करेक्शन आता है, गिरावट आता है, तो फिर थोड़ा सा आपका जो इसमें करेक्शन होगा वो 5,000 तक हो सकता है, लेकिन करेक्शन की संभावना काफी कम है क्योंकि यह स्टॉक यहाँ पर हायर लेवल पर कंसोलिडेट हो रहा है, तो ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। तो आप इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। अगर आपको इसमें 100 शेयर बाय करना है तो आप इसमें 5 और 10 के ग्रुप में लगातार बाइंग करते रहें हर डीप पर, मतलब जिस गिरावट पे आता है आपको 5-10 शेयर्स उठाने हैं। इस तरह से आप अच्छे लेवल पे इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे और ये शेयर कभी भी आपके लिए बोनस शेयर की खुशखबरी ला सकते हैं। तो बोनस शेयर उसी को बेनिफिट करता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड आते हैं, मतलब मुख्य आपका जो फोकस होना चाहिए वो ग्रोथ पे होना चाहिए। जब ग्रोथ मिलता है तो साइड से आपको डिविडेंड भी मिलेगा, साइड से आपको बोनस शेयर भी मिलेगा, तो मुख्य फोकस होना चाहिए आपका ग्रोथ पे। दूसरा जो शेयर है हमारा वो एल्काइल एमिन्स केमिकल लिमिटेड, ये भी काफी बेहतरीन शेयर है। अगर आपका एक मंथ का चार्ट दिखाए तो एक मंथ में इसमें जो तेजी आया था, एक दिन में 500 रुपीज का तेजी, 21 दिसंबर 2020 को इसका प्राइस और 5 जनवरी का प्राइस, मात्र आप यहां पर देख लीजिए 10 से 12 दिन में इसमें 40% की तेजी, 10 टू 12 डेज में 40% का रिटर्न। तो इतना ज़्यादा तेजी इसमें देखने मिला, ये मात्र 3,600 रुपीज का स्टॉक हुआ करता था, वहां से ये अगले दिन पहुंच गया एक दिन में 4,000, और यहाँ 4,000 से जब गया तो डायरेक्ट ये पहुँच चुका था 5,142 रुपीज। और यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई देखिएगा तो यहाँ से भी ऊपर हाई बनाया था 5,600 का, लेकिन उसी दिन इसमें फिर से करेक्शन भी देखने मिला। तो ये सारे स्टॉक जो है काफ़ी बेहतरीन, इसका भी रिटर्न देखिएगा लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी बेहतरीन, 2007 से अभी तक का रिटर्न 9,000% का रिटर्न है। और इसका यहाँ पर चार्ट देखिए कितना सॉलिड है, यहाँ पर मात्र देखिए 23 अगस्त 2019 से लेकर के अभी तक में 551% का रिटर्न है। तो ये सारे जो केमिकल सेक्टर के स्टॉक है काफ़ी बेहतरीन है, साथ साथ यहाँ पर देखिएगा डिविडेंड भी दे रहा है। सारे जो केमिकल सेक्टर के स्टॉक है आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड भी पे करता हुआ दिखेगा। और इस लिस्ट में हमारा तीसरे नंबर पर स्टॉक है वो है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये स्टॉक जो है उतना नहीं चलता है। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए इसका रिटर्न देखिए, 2018 से अभी तक का रिटर्न है 209% का रिटर्न, मतलब 2 साल में आपको जो है 200% का रिटर्न दिया, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और यहाँ से जो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ से फिर तेजी देखने मिलेगा, तो ऊपर जो है आपको काफ़ी ज़बरदस्त तेजी इसमें देखने मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पर देख लीजिए पहले ये कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ से जब तेजी दिखाया जुलाई 2020 से, तो काफ़ी
काफ़ी तेज देखने मिला। यहाँ पर फिर से यहाँ देखिए कंसोलिडेट हो रहा था 2019 में, यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ कई महीनों तक, फिर से इसमें तेजी देखने मिला। तो अब जो स्टॉक का कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को देखना पड़ेगा। तो ये स्टॉक का कैरेक्टर ही वैसा है कि यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट होते होते जैसे इसमें तेजी देखने मिलेगा तो फिर आप ये इस स्टॉक को बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टॉक में जब तेजी होता है तो इस स्टॉक में 5% एक दिन में 5% अब आप 2493 का 5% निकालिए तो एक दिन का जो आपका इसमें तेजी होगा वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आएगा, मतलब 150 रुपीज़ का तेजी एक दिन में। और ये भी स्टॉक देखने डिविडेंड दे रहा है 0.28% का डिविडेंड है, तो इसका जो अभी 2500 के आसपास प्राइस है और एल्काइल एमिन्स का 4760 रुपीज़ अभी करेंट प्राइस है, और ये तो काफ़ी महंगा है। अतुल लिमिटेड इसका अभी करेंट प्राइस है 6590 रुपीज़। ये स्टॉक जब 4000 पर तब पर भी हमने वीडियो बनाया था, एल्काइल एमिन्स इसके ऊपर हमने डिटोल एक वीडियो बनाया था। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग ईजिली कर सकते हैं, ये स्टॉक कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। और फाइन ऑर्गेनिक्स ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ये भी देखिएगा पीछे के लो को कभी ये ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर देखिए ये जो लो बनाया था इस लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर लो बनाया था इसको भी ब्रेक नहीं किया। तो ये भी चार्ट काफ़ी सिंपल, आप गूगल में किसी भी कंपनी का नाम लिखिए उसके आगे शेयर लगा दीजिए, आप उसका चार्ट देख सकते हैं। तो जो केमिकल सेक्टर के स्टॉक है काफ़ी बेहतरीन है। अगला है हमारा आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आरती इंडस्ट्री ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, ये भी अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। इसका भी रिटर्न देखिएगा 1999 से लेकर अभी तक में 44,000% का रिटर्न है, तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है ये भी। और ये भी डिविडेंड पे करती है 0.20% का, और इसका करेंट प्राइस है 1258 रुपीज़। तो जो चार्ट है आपको चार्ट देखना, एक साल का रिटर्न देखेगा तो एक साल में भी आपको पॉजिटिव रिटर्न देखेगा। ये सारी कंपनियां 5 ईयर्स में देखेगा तो चार्ट देखिए कितना सॉलिड है। तो हमेशा जो चार्ट आपको इतना सॉलिड दिखे, लगातार अप ट्रेंड चार्ट वाले कंपनी देखते हैं उसी में आपको इन्वेस्ट करना है। कभी भी डाउन साइकिल वाले स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना, जो कि जिसका चार्ट की काफ़ी वीक दिख रहा है, हमेशा चार्ट में वीकनेस दिखता है, तो उस तरह के स्टॉक को अवॉइड करें और इस तरह के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में इन्वेस्ट करें और अच्छा खासा रिटर्न आप प्राप्त करेंगे। अगला कंपनी है हमारा नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। इसका जो करेंट प्राइस है वो देख लें 2569 रुपीज़ का अभी करेंट प्राइस है। ये भी स्टॉक्स काफ़ी सॉलिड है, मैक्सिमम की बात करें तो देख लीजिए ये इसका भी रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त है, 2007 से अभी तक में 3852% का रिटर्न, ये भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, सिर्फ यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ था, नहीं तो हमेशा आप देखिएगा ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में रहा है। तो जिस समय स्टॉक जो कंसोलिडेट होता है वो बेस्ट टाइम होता है कि आप उसमें SIP करें और लगातार बाय ऑन डिप्स करें। और जब स्टॉक में तेजी आ जाता है तो फिर आपको अपना प्रॉफिट को इंजॉय करना है, मतलब प्रॉफिट को फिर अच्छे लेवल पर बुक कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टेड रहिए। आप देखिए यहाँ पर ये 1 ईयर में इसका रिटर्न है 138% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, काफ़ी शानदार रिटर्न है। ऐसे अच्छे स्टॉक्स में ही आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद है अगला SRF लिमिटेड। SRF भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। ये स्टॉक है जो पैनी शेयर से एक मल्टी बैगर शेयर बना है, 1999 में देख सकते हैं इसका प्राइस था 10 रुपीज़, और 10 रुपीज़ से ये स्टॉक पहुंच चुका है 56,000% रिटर्न देने के बाद 5,825 रुपीज़। तो ये यहाँ पर स्टॉक जो था काफ़ी बार जो है 10 रुपीज़ से भी नीचे आया था, लेकिन एक तरह से कहें तो 99 में 10 रुपीज़ का स्टॉक पैनी स्टॉक नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय 10 रुपीज़ का वैल्यू अभी के 100 रुपये से भी अधिक था। तो इस तरह के बेहतरीन स्टॉक आप जब भी गिरावट मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक 2013-14 में भी देखते हैं मात्र 100 रुपये का हुआ करता था, वहाँ से जर्नी तय किया 5,000 का 6,000 का, और यहाँ से देख सकते हैं अगर आप 2013 में भी इन्वेस्ट किए होते तो आपका लगभग रिटर्न होता 4,000 से अबव का। तो दोस्तों ये सारे बेहतरीन स्टॉक्स है केमिकल सेक्टर के, जिसमें आप किसी भी गिरावट में इन्वेस्ट करते हैं, जब भी गिरावट आए तो आप इसमें इन्वेस्ट करने से ना चूके। तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक है केमिकल सेक्टर के, उसी में से एक और है PI इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। अभी करेंट प्राइस है 2239 रुपीज़, और ये भी देखते हैं डिविडेंड पे करते 0.18% का। जब स्टॉक पर इतनी रैली है तो डिविडेंड यील्ड आपको काफ़ी कम दिखेगा ही, अगर इसके मैक्सिमम ईयर की रिटर्न की बात करें तो ये भी काफ़ी सॉलिड रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को, 2942% का रिटर्न देखते हैं 2011 से 2021 तक में। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, आप इसमें चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी आपको लॉन्ग टर्म में और बेहतरीन रिजल्ट देगा। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में भी पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे ये सारे के सारे स्टॉक आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे। 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम देखिए, 5 ईयर्स में भी 257% का रिटर्न।
उसके बाद अगला स्टॉक है हमारा दीपक नाइट्रेट, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक आता है केमिकल सेक्टर। ये सारे स्टॉक हैं, कोई एग्रोकेमिकल में है, कोई स्पेशलिटी केमिकल्स में, तो अलग अलग केमिकल सेक्टर है जो इसे एसआरएफ हो गया, तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है एसआरएफ का। अगला है हमारा दीपक नाइट्रेट, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है। इसका करेंट प्राइस है 1019 रुपीज और इसका मैक्सिमम ईयर का चार्ज देखिए, तो ये भी देखिए स्टॉक काफी सॉलिड है। अगर 2010 से अभी तक का रिटर्न देखें तो हो गया है 5171% का रिटर्न। तो देख लीजिए ये भी स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। इसका भी डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 0.54% है, तो थोड़ा सा डिविडेंड यील्ड कम देखने मिलेगा क्योंकि स्टॉक काफ़ी तेज़ी से, मतलब इस सेक्टर के जो भी स्टॉक काफ़ी तेज़ी देखने मिलता है। और इसमें भी आप जब भी चाहें गिरावट में आप बाय कर सकते हैं। देखते हैं कभी भी ये सारे के सारे जो आपको स्टॉक दिख रहे थे, ये आप कंसोलिडेट तो करता है किसी प्राइस लेवल पर, लेकिन गिरावट इस स्टॉक में कभी भी ज़्यादा नहीं आता है इस सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं, क्योंकि जो बिजनेस है इस सेक्टर के स्टॉक का काफ़ी बेहतरीन है। तो जो बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो आपको गिरावट काफ़ी कम देखने मिलेगा ही। अगला है हमारा इस सेक्टर का एक छोटा सा जो स्मॉल कैप स्टॉक है, ब्लैक रोज इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। और ये वो स्टॉक है जो पैनी शेयर से एक मल्टी बैगर शेयर बना है। देखते हैं 78 पैसा का स्टॉक हुआ करता था 97 में, वहीं 2003 में 38 पैसा का, मात्र 38 पैसा का ये स्टॉक यहां से देख लीजिए कितना का रिटर्न दिया है, 34,000% का रिटर्न दिया है 2003 से 2021 तक में, 34,000% का रिटर्न। वहीं अगर ये अपने ऑल टाइम हाई पे था तो वहां पर देखिएगा तो ये 40,000 से भी अधिक का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। तो ये काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से है। अगर आप 2008 में भी इसमें इन्वेस्ट किए रहते तो वहाँ से भी 12,000% का ये रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये सारे स्टॉक है जो कि आपको स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छे, मतलब रिटर्न देने वाले स्टॉक में से हैं। इसके बाद अगला जो हमारा स्टॉक है जो केमिकल सेक्टर का इस वीडियो का सबसे लास्ट स्टॉक है वो है रैलीज इंडिया लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से है। और इसका भी अगर चार्ट देखेगा तो ये भी काफ़ी बेहतरीन चार्ट है इसका, यहाँ पर देख लीजिए इसका रिटर्न का परसेंटेज कितना है, 3,490% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से ये एक है। और यहाँ पर देखिए 0.86% का डिविडेंड यील्ड है, तो काफ़ी बेहतरीन है, हर चीज़ में बेहतरीन है। तो इस सारे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, जब भी गिरावट आता है इसमें से दो चार स्टॉक आपको चुन लेने हैं जो आपको अच्छा लगा। तो केमिकल सेक्टर में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा, कुछ फार्मा के सेक्टर के स्टॉक लीजिए, कुछ केमिकल सेक्टर के, कुछ आईटी सेक्टर के, और सारे सेक्टर में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर दीजिए ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चाहे आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं, जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है। और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।